दोस्तों, अब ये जो लर्निंग का दौर है ये यूं ही चलता रहेगा और यूं ही नए नए वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। और ये जो ऑनलाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है ये अब एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और इसमें हर कोई अपना प्रयास दे रहा है, तो हम भी इसमें पीछे क्यों रहें। इसीलिए हमने भी एक प्रयास जारी रखने की, इंसेसेंटली आपको वीडियोस अवेलेबल करवाने की और एक मतलब जिम्मेवारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और हम इसे पूरा करते रहेंगे। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देंगे। वी विल नॉट लेट यू डाउन यू नो एवर। तो अभी एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और लेकिन ये अगर अपने स्पोकन या राइटिंग जो हमारी हम करते हैं इंग्लिश में उसके अंदर ये यूज होता है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना काफी है। और इससे फायदा ये होगा कि हमारी स्पोकन और राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बस इतना सा है। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे वही हमेशा एक जो रिक्वेस्ट हम करते आ रहे हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर हम आपको हताश नहीं करेंगे तो आप भी हमें हताश ना करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें नए नए वीडियोज के, नए नए टॉपिक्स लेकर के। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ इसमें दो ही प्रोनाउंस हैं, एक तो ईच अदर और एक वन अनदर, जिसके बारे में हम पहले ही यानी पढ़ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो एक बार देखें ताकि और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप कर पाए इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है ये क्या करते हैं। ये देखो, डिनोट करते हैं जो नाउंस होती हैं, उन नाउंस का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है उसको ये डिनोट करते हैं, कि जो नाउंस है उनके बीच में जो एक म्यूचुअलिटी होती है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, उसको ये दिखाता है। कैसे दिखाता है, कैसे यूज करना है, देखिए एग्जाम्पल्स हैं। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर वेरी मच। तो आप यहां देखेंगे कि एक नंबर का कुछ यहां पर स्पेसिफिक नंबर आया है नाउन से पहले, ब्रदर से पहले, तो ये इसीलिए है कि जो ईच अदर है उसका जो इस्तेमाल है तब होता है जब दो नाउन्स के बारे में बात चल रही हो और वो आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप उनकी दिखाई जा रही हो, तब ईच अदर लगता है। तो यहां पर द टू ब्रदर्स लव ईच अदर वेरी मच। तो जब भी कभी टू का डिस्क्रिप्शन मतलब मेंशन मिले आपको, डिस्क्रिप्शन मिले सेंटेंस में, तो आप वहां पर ईच अदर का इस्तेमाल करें। उसके बाद में हमारा वन अनदर है, तो इसका इस्तेमाल यानी अब आप समझ गए होंगे क्या होगा कि जब इनका दो में से हो रहा है तो इसका फिर दो से ज्यादा में होगा, जैसे वी शुड हेल्प वन अनदर। लेकिन अब वी और या दे जो है इनसे पता नहीं चलता कि ये मोर देन वन है या मोर देन टू है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें पता नहीं है कि भाई ये वी जो है ये दो है या तीन है या चार है, तो अगर दो है तब तो ईच अदर लग जाएगा कि वी शुड हेल्प ईच अदर, और अगर ये दो से ज्यादा है तो आप लगाएंगे वन अनदर। वो तो आप अपना अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगाएंगे, जैसे अब आप कोई तीन के बारे में बोल रहे हो तो आप ईच अदर मत लगाओ, आप वहां पर वन अनदर लगाओ। लेकिन एक ये भी है इंग्लिश में कि अगर आप कहीं पे ईच अदर या वन अनदर बोल भी देते हैं, अगर मान लो मोर देन टू हो जो भी है, तो कोई ज्यादा मिस्टेक वाली बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश में जो समझने वाला है वो समझ लेता है आपकी बात को कि यहाँ पर ये अगला एक दूसरे की मदद करने के लिए कह रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपने वन अनदर नहीं लगाया और ईच अदर लगा दिया ज्यादा होने पर भी दो से, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन सही यूज अगर ज्यादा अच्छे तरीके से हम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा वो। तो जैसे दो है तो ईच अदर लगाइए और अगर दो से ज्यादा है तो वन अनदर लगाइए। तो ये ही रेसिप्रोकल का एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अगर आप और भी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारा जो वीडियो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो उसको आप जरूर देखें एक बार, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ब्रॉड हो जाए इसको लेकर के। तो दोस्तों, ऐसे ही और नए वीडियोज के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक के शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।